अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे ये ड्रेस आपको देना चाहिए, फैशन एक्स की तरफ से चाहिए। ऐसे That's it, ये फैशन एक्स की तरफ से जो ड्रेस है ये हम आपको देने जा रहे हैं। तो लेकिन सायरा नसीम का कोई गाना हो जाए, होना चाहिए ना। सायरा जी का कोई गाना याद है? कौन गा सकता है? उड़ कोठे उते कांवर, कोई गा सकता है? या फिर वही हम बैक टू स्क्वायर वन शोर पे जाएं? ये गाना नहीं गा सकता कोई। सोच लीजिए, साला गाना क्या कहते हैं, क्या कहते हैं शोर पे? चलो ड्रेस के बारे में बाद में फैसला करते हैं। दूंगा मैं जरूर आप लोगों को दूंगा, लेकिन सामय से कुछ सवाल कर लें। सामय, सबसे पहले तो सायरा के बारे में बताएं ना, सायरा का फ्यूचर क्या है? बहुत कुछ। सायरा का फ्यूचर जो है वो बड़ा रोशन है, क्योंकि मैं इनसे मिल भी चुकी हुई हूँ, बहुत मिलते रहते हैं हमेशा जी। और अनकरीब अब आप लोग खबर सुनेंगे कि सायरा जो है वो अब कैसे मुझे देख रही है। अनकरीब आप इनके लिए खबर सुनेंगे इंशाल्लाह। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही। अब देखिए मैं क्या, मेरी मजबूरियाँ आ जाती। इंशाल्लाह ना। वेरी नाइस सायरा नसीम। अच्छा, वन पाउंड फिश जो है, शाहिद भाई जो है, इनका दूसरा कोई गाना हिट होगा इस तरह से? इनका तो अभी, बल्कि ये सोचिए कि अभी ये बुरे टाइम से निकले हैं और अब अच्छे टाइम में ये एंटर हुए, तो आप सोचिए कि जब ये बुरे टाइम में इतना अल्लाह ने इन पे करम कर दिया, इनकी जिंदगी में फेम बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, तो वो ये बढ़ेगी चीज जो है। अच्छा पता है, ये सब कुछ ना अंदर की वजह से होता है। अभी ब्रेक पे हम लोग बात कर रहे थे दैट ही वॉच्ड वन ऑफ माय शोज विद बब्बू बराल साहब, तो आई थिंक वो दिल से दिल को राह होती है। और बब्बू साहब का वो बब्बू बराल साहब का वो लास्ट शो था जो हमने किया था, और मैं उनसे हमेशा से बहुत इंस्पायर रहा हूँ। तो जब हमने ये शो किया तो बब्बू साहब के दोनों गुर्दे जो थे वो नाकारा हो चुके थे, डायलिसिस पे थे वो, एंड लेकिन जितनी उनमें विगर थी, जो पावर थी, जिस ताकत के साथ वो जिंदा थे, जिस ताकत के साथ उन्होंने, जिस जमा मर्दी से उन्होंने चीज़ों का मुकाबला किया, वो बहुत बड़ी बात थी। वो बहुत बड़ी बात थी ना। ऐसी कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द फैली हुई हैं। वो शख्स जो हमें बेतहाशा हंसाया करता था, वो शख्स जब मेरे पास शो पे आया तो हम सब उसे देख के रो पड़े, हम सब के सब रो पड़े। पर एट द सेम टाइम जब वो वहाँ से वापस गया तो हम फिर दोबारा से हंस रहे थे, वो उस बीमारी में भी हमको हंसा रहा था। तो आई थिंक बब्बू बराल साहब वॉज एन अमेजिंग आर्टिस्ट। सो आई थिंक इनके जो जिंदगी में फेम है वो इसी वजह से है, बिकॉज दिल से दिल को एक राह होती है, और आई थिंक ये भी उन्हीं चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। मैंने देखा आपका वो शो, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जब उनसे बातें की तो आपकी बातों में जैसे उन्हें जिंदगी की एक और आस दिलाने की उम्मीदें थी उसमें, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी आपकी उनके साथ जो गुफ्तगू आप कर रहे थे, उनमें एक जीने की चाह और पैदा कर रहे थे कि शायद ये और जी पाएंगे इन्हीं बातों से, उनके अंदर का एक इंसान शायद और जी पाए। बहुत अच्छा लगा। आपको उनका गाना याद है बब्बू साहब का? बब्बू साहब का गाना मुझे पूरा तो नहीं आता, वो तो बहुत अच्छा उन्होंने गाया, लेकिन मुझे थोड़ा सा आता है। प्लीज थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा हो जाए। बब्बू भाई के नाम तालियां मैं खुद कहूंगा। मेरे सज्जन मेरे बेली फीको माजू ओ गंगू तेली, मेरे सज्जन मेरे बेली फीको माजू ओ गंगू तेली, खुले बूहे आ जांदे सन साडा दिल भर जा जांदे सन, बीतियां रुत्तां ओ रुत्तां बीतियां रुत्तां, बीतियां रुत्तां ओ रुत्तां बीतियां रुत्तां। अच्छा सारा, ये हम क्या सुन रहे हैं, क्या कब हो रहा है? मैंने बताया थोड़ा सा शेयर करेंगे आप? ये बात भूल ले रही अभी तक आप? नहीं, थोड़ा कोई सा नहीं। प्यार हुआ है थोड़ा सा बाकी। अच्छा, क्या अभी गा? तो बाकी इनकी तरफ से, उनकी तरफ से? नहीं, इनकी दोनों की तरफ से। तो डेट वगैरह डिसाइड हुई? कुछ नहीं, ये तो ऐसे मजाक करती मेरे से, मुझे पता नहीं है सामिया का। आज तक इन्होंने मुझसे तो कभी ऐसा मजाक नहीं किया। मेरे से हमेशा ही होता है, ऐसे ही मजाक करती है। वाकई? अच्छा, जब तक जहाँ की शूटिंग हो रही थी तो आप वहाँ थे? मुझे नहीं पता कब शूटिंग हो रही थी। कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ उसको फिल्म में देखा? हाँ। कितनी हसरत लाई भाई, अभी देखा अभी तक। यार माय गॉड,
इनकी आवाज में और चेहरे पे ऐसी हसरत आ गई, फिल्म नहीं देखा। तुम यहीं रह जाओ, इनको अपनी टीम का हिस्सा बनाया भाई, मैं इनको जाने नहीं दे रहा, आप मुझे बहुत अच्छे लगे, आप नहीं जा रहे यहाँ से, आज के बाद मोहम्मद शाहिद नजीर हमारे साथ काम करेंगे, दैट्स इट। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम दोबारा से बात करेंगे, छोटी सी एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पास कुछ और लोग होंगे। सामिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सामिया को, बहुत सारी तालियों में रुक सकती है, बहुत सारी तालियों। हम कोशिश ये करेंगे कि आपका नंबर जो है वो लोगों को दे दें, ताकि आई नो आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद कोशिश ये करेंगे कि आप तक वो तमाम लोग पहुंच सकें जो अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। नंबर वो वाला जो ऑफिस की अपॉइंटमेंट्स का नंबर है, प्लीज। जी जी जी, वही 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 ना, क्योंकि वो मैं अभी आपके ऑफिस में लिखवा भी दूंगी। और जो है वो क्योंकि सर कॉल्स जो है वो लोग समझते हैं कि हर वक्त लैपटॉप हाथ में और मैं बस वो यूँ जवाब दे रही हूँ, ये बड़ी मुश्किल होती है, फिर नाराज़ होती है आवाम हमसे कि काम है जाके क्लाइंट्स के साथ आपने जो है वो सारा दिन लगता है। मेरा एक क्लाइंट पे ऑलमोस्ट साहिर एक घंटे की रीडिंग लगती है। वाओ, तो वो क्योंकि मेरे चार। अच्छा, आपके साथ तो लोग कॉल करके बहुत काम की बात करते होंगे ना, मुझे कॉल आती है सुबह 4 बजे और पहला सवाल पता क्या होता है, क्या कर रहे हो, क्या फोन दे दो, किसे कहा फोन दे दो, तुमने कहा, अब आजकल यही होगा, मोबाइल दे दो भाई। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक, गुड मॉर्निंग, थैंक यू जी।